नगर परिषद द्वारा दो टेंडर में तालमेल न होने के चलते लॉकडाउन से पूर्व बनी सड़क को दोबारा तोड़ने के चलते लोगों को हो रही परेशानी। सीवरेज लाइन डालने और सड़क निर्माण में तालमेल का अभाव आया सामने। जनता की गाढ़े खून पसीने की कमाई का नहीं रखा जा रहा ध्यान। यहां से गुजरने वाले हल्के व बड़े वाहनों और दोपहिया वाहन चालकों को लोग दुर्घटना होने से चोट का जाता रहता है खतरा। प्रसिद्ध मंदिर हाथी खान आने वाले श्रद्धालुओं को पैदल चलने से लगता है डर। नगर परिषद म्युनिसिपल इंजीनियर इसे सीवरेज प्रोजेक्ट बताकर झाड़ रहे हैं पल्ला। अंबाला के प्राचीन मंदिर हाथी खाना जाने वाली 12 क्रॉस रोड की कुछ हिस्से को दोबारा तोड़े जाने से यहां से गुजरने वाले लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वे इस टूटे फूटे रास्ते से गुजरने में दुर्घटना या चोट लगने के डर का अंदेशा जता रहे हैं। अभी लॉकडाउन से पूर्व ही इस मार्ग पर एक तरफ यह सड़क बनाई गई थी, जिस पर दो विभागों में नहीं बल्कि नगर परिषद द्वारा दो टेंडर्स में तालमेल न होने के चलते इसे दोबारा तोड़ा गया बताया जा रहा है। वहीं यहां अब दोबारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए सीवरेज लाइनें डालने की तैयारी की जा रही है, जिससे सरकारी पैसे का सीधा दुरुपयोग भी जनता द्वारा बताया जा रहा है। उनका कहना है सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के चलते ही जनता के खून पसीने की कमाई को बेफिजूल में उड़ाया जा रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि यदि यहां सीवरेज डालना था तो पहले सड़क का अधूरा निर्माण क्यों किया गया। ये सरकार के दो विभागों में तालमेल की कमी को दर्शाता है। लोगों का कहना है कि प्राचीन हाथीखाना मंदिर में आने वाले सैकड़ों श्रद्धालु भी इस टूटी सड़क पर दुर्घटनाओं का अंदेशा जता रहे हैं और वाहनों के खराब होने का भी डर बना रहता है। उनका कहना है इस 12 क्रॉस रोड सड़क बनाने का 5 करोड़ का ठेका दिया गया था, लेकिन वे भी काफी जगह से टूटने लगी है और अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। जनता का कहना है कि ऐसे प्रोजेक्ट को छावनी परिषद के कमरों में बैठे इंजीनियर तक देखने नहीं आते हैं और वहीं बैठे ठेकेदार के बिल पास किए जाएं, जिसकी जांच होनी चाहिए। पूर्व सरपंच नेड़ा से हूँ और यहाँ पर ये तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। मेरे ख्याल हमारी भी उम्र 61 साल हो गई है कि ये बुरा हाल था। अब फिर इन्होंने चलो ये थोड़ी बहुत ही बनाई थी, अब फिर तोड़ फोड़ कर दी, दोबारा फिर इसको तोड़ रहे हैं। ये तो मतलब पूरे उसका ही हो गया, अंबाड़े का ही कितना में हर पहले बनाओ फिर तोड़ो, तोड़ने के बाद में फिर बना दो। ये तो लोग यहाँ गिर रहे हैं, बुरा हाल है। पंखे झाड़े पानी भर जाता है यहाँ पे, फिर तमाम लोग यहाँ गिरते हैं। बुजुर्ग बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको जो अपने घर में पड़े हैं, तमाम जिनके चोटें लगी हैं, ऐसे से दिखा दूँ मैं। ये ऐतिहासिक मंदिर है और लोग ये है सावन में, तो सावन के बाद तो वैसी हो, सोमवार को वैसी लाइन लगी होती है यहाँ पर। ये तो यहाँ पर तो इतना रश होता है कि नाम ये तो बहुत छोटी पड़ जाती है। ये लोगों के टैक्स का तो दुरुपयोग है ही, हमारा ही पैसा है, हमारे ऊपर ही नाम दोबारा मार पड़ती है। अब ये तो अभी तोड़ी है, अभी बनाएंगे, जितना पैसा ना खर्च होगा तो हमारे ऊपर ही पड़ना, कोई इनके ऊपर तो पड़ना नहीं। क्या कहना चाहोगे इसके बारे? हम तो ये कहना चाहेंगे जो भी काम करो यदि एक बार देख के करो कि तुम्हें हाँ सेटिस्फेक्शन हो, और जिस ठेकेदार को दो ठेकेदार को भी तुम्हें पूरी सेटिस्फेक्शन हो कि मैं काम कर रहा हूँ तो बढ़िया कर रहा हूँ। ये तो कमेटी में तो जो लोग बैठे हैं ना वो तो केवल पैसे खाते हैं, उनको पैसा दे दो वो अपना कोई काम आने के नहीं, यहाँ पर काम करने के उसके करने के लिए आएंगे नहीं, देखने के लिए नहीं आएंगे ना कि यहाँ पर काम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो यहाँ के दामा जितने भी इंजीनियर बैठे हैं, जो अपने ऑफिसर बैठे हैं, वो सारे के सारे दामा मिली भगत है, उनकी दामा पैसा खा के दामा चलो बनी बनी नहीं बनी ना बनी अपना करके पास। बहुत फाइल जी बड़ा बुरा हाल है जी, अभी थोड़े दिन हुए बने हुए सड़कों को और हाल देख लो। हम तो हमारा तो काम भी कांच का है, हम माल छोड़ते हैं तो हमारा बहुत डर लगता है माल छोड़ते हुए, भी गड्ढे हुए हैं, अभी थोड़े दिन बरसातें हो जाएंगी या पानी भर जाएगा निकलने में बड़ी दिक्कत। पहले दिक्कत होती, थोड़े दिन तो राहत मिली हमें, अब दोबारा फिर वही हाल होने वाला हमारा। जैसे रात को कुछ नहीं जी, बड़ा गंदा हाल है, तो निकलते भी डर लगता है। तो सड़कें टूटी फूटी बड़ी मुझे थोड़ी सी सही हुई थी, दोबारा वही हाल चुके। निगम की है जी, बनती है सड़कें टूटती है, बनती है टूटती हैं, 10 दिन के लिए बनती है 10 दिन फिर टूट जाती हैं। कहीं भी चले जाओ वहाँ हर जगह ही हाल हो रहा है, जहाँ हमारा घर है पड़ोस में हर जगह ही हाल हो रहा है। अलग प्रोजेक्ट है वो, हमारा जो सीवरेज का प्रोजेक्ट है अमृत कंपोनेंट का था, उसमें जब ये साइट रीडिज़ाइन हुई थी तो उस रीडिज़ाइनिंग में हमारे को जो एकता विहार और जो हमारा सीवरेज ऑलरेडी एकता विहार और जो दूसरे एरियाज में डल चुका है उसका पानी हमारे को इस एसटीपी के ऊपर लेके आना है, क्रॉस रोड नंबर 12 वाले एसटीपी को। तो उसके लिए लगभग यहाँ से जाएगा और एकता विहार तक जाएगी ये नाला, मेन हमारा जो ट्रंक सीवर है उसके लिए हमारे को ये थोड़ा 250-300 फुट का टुकड़ा तोड़ना पड़ा और ये साथ के साथ ही हम रिस्टोर करा देंगे। सब 12 क्रॉस रोड पे हमने जो सड़क बनाई है, कुछ जगहों पे मेरी जानकारी में आया है कि ऐसा कुछ हुआ, तो उसके बारे में एजेंसी को आगाह किया है, उसको वो रिस्टोर करेगी। अभी वो काम इन प्रोग्रेस है, कंप्लीट नहीं है, हैंडओवर नहीं हुआ है,
अभी रोड हमारे को हैंड ओवर नहीं मिल रहा, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है उसको रिस्टोर किया जाएगा।